वट वृक्ष बगिया में भगवान बुद्ध ने अपने संग को रोक दिया। इधर जिस समय वट वृक्ष बगिया में भगवान बुद्ध ने संग को ठहराया, कपिलवस्तु के महाराज सिद्धोदन को खबर मिली कि मेरे पुत्र सिद्धार्थ गौतम राजकुमार त्याग और तप के बल पर जो सम्यक संबुद्ध हुए, आठ वर्ष के बाद पुनः कपिलवस्तु में उनका आगमन हुआ है। आज महाराज सिद्धोदन का हृदय अपने पुत्र से मिलने के लिए छटपटाने लगा। आषाढ़ी पूर्णमासी की रात्रि के समय 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। 8 वर्ष के बाद कपिलवस्तु में पुनः आए। जैसा कि अभी तक आपने प्रसंग में सुना है कि जिस समय सिद्धार्थ कपिलवस्तु का त्याग कर वन को गए थे, महलों के बीच में सिद्धार्थ गौतम की पत्नी यशोधरा, जिनकी गोद में 7 दिन का बेटा राहुल था। मेरा माता बहनों से फिर से निवेदन है, आप लोग बातचीत ना करें, ये धर्म का प्रांगण है, इसकी मर्यादा को बनाए रखिए। कथा प्रसंग है सफल सत्याग्रह राहुल दीक्षा। आज खबर पाई है राजा सिद्धोदन ने बुद्ध के आने की, हृदय मगन हो गया। 8 वर्ष का समय बीत गया, अपने पुत्र को नहीं देखा है राजा ने। इधर कपिलवस्तु के महलों के बीच में पत्नी यशोधरा, जिसने 8 वर्ष का समय एक एक पल अपने पिया के आने का इंतजार करके गुजारा है। राजा सिद्धोदन एक सेवक को समझा करके बोले, ओ सेवक चले जाओ, सेवक खबर पाई है कि मेरे पुत्र सिद्धार्थ जो सम्यक संबुद्ध हुए, आज अपने भिक्षु संघ के साथ पुनः कपिलवस्तु गणराज्य में उनका आगमन हो चुका है। सोहे सेवक क्या बोले महाराज, क्या किया महाराज ने, सुन सुन श्रोण शुभन युत कर सु सिद्धोदन ही अपूरित हर्षु बुद्ध बेगम बुला बने तू भेजे दूत कपिलपुर के तू। एकदम से महाराज अपने सेवक को समझा के बोले, अरे ओ सेवक
क्या देख रहे हो? इतने समय के बाद मेरे पुत्र सिद्धार्थ जो सम्यक संबुद्ध हो गए आज कपिल वस्त्र में आए हैं। चले जाओ सेवक और जाकर के हमारी ओर से भगवान को प्रणाम करना और भगवान से कह देना कि कपिल वस्तु के महलों में आकर के अपने पिता को दर्शन दे। राजा की आज्ञा मानकर सेवक चल दिया। चलते चलते जिस समय सेवक वट वृक्ष बगिया में पहुंचा धर्म प्रेमियों, उसने देखा कि लोक शास्त्रा भगवान पुत्र नेत्र बंद किए ध्यान की अवस्था में बैठे थे। भगवान को ध्यान की अवस्था में देख करके सेवक कहीं तब राजा ने समझाई और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे बीच में श्रीमती विनीता देवी वाइफ ऑफ श्री शशि कुमार साक जी ग्राम सामने खड़े हैं तो कपिल वस्तु की जनता
द्वार की ओर। शब ने आकर भगवान के दर्शन किए, शब ने आकर बुद्ध के दर्शन किए। आज महाराज शिद्धोदन मौसी प्रजावती गौतमी ने भी बुद्ध को प्रणाम किया है, बुद्ध को नमस्कार किया है। जानती हो माता बहनों और भाइयों, एक एक पल महाराज शिद्धोदन ने अपने पुत्र को समर्पित कर दिया था। 16 वर्ष की उम्र में शादी करवाई, क्यों? कहीं ऐसे ऋषि की भविष्यवाणी सच ना हो जाए, कहीं सिद्धार्थ महलों का त्याग ना कर दे। 3 ऋतुओं के महल की व्यवस्था की, किसी भी ऋतु का गलत प्रभाव मेरे पुत्र को दुखी ना कर सके। क्या नहीं किया महाराज ने, लेकिन धर्म प्रेमियों याद रखिए, आज 8 वर्ष के बाद बुद्ध का आगमन कपिल वस्तु में हुआ है। तो जिस समय राजद्वार पे आकर के महाराज शिद्धोदन मिले भगवान से, अरे जी तो करता है कि आगे बढ़कर अपने पुत्र को सीने से लगा ले, लेकिन नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि एक और कपिल वस्तु के महाराज हैं और दूसरी ओर विश्व गुरु भगवान सम्यक संबुद्ध है। फिर भी महाराज शिद्धोदन अपने मन को रोक नहीं पाए, आगे बढ़ करके कहने लगे, हे गौतम बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया गौतम, अब लौट आओ, लौट आओ महलों के बीच, लौट आओ पुत्र। और क्या बोले हैं पिताश्री, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए महामाया मैया की। और जैसा कि सभी धर्म प्रेमी देख रहे हैं, अपने पुत्र को सामने देख करके पिता अपने आप को नहीं रोक पाए, माना कि वो सम्यक संबुद्ध हैं, तो क्या बोले महाराज, हे गौतम बस कीजिए, छोड़ दीजिए चिवर, छोड़ दीजिए भिक्षा पात्र, और कपिल वस्तु के राजा बन के कपिल वस्तु पर शासन करो पुत्र। अरे मुझ पर तो बुढ़ापा आने वाला है। और क्या कहे महाराज, राज्य चलाओ तुम गौतम, राज्य चलाओ तुम गौतम, और मैं शक्ति तुम्हें बतलाता हूँ, मैं शक्ति तुम्हें बतलाता हूँ। ये राज्य चलाओ तुम गौतम, मैं शक्ति तुम्हें बतलाता हूँ, बोले हैं गौतम अब तुम्हारे पिता पर बुढ़ापा आ चुका है, लौट आइए कपिल वस्तु के महलों में और संभालिए कपिल वस्तु की सत्ता, मुझसे नहीं संभलता, शून्य हो जाएगी कपिल वस्तु की गद्दी। भगवान मुस्कुरा करके बोले महाराज, अगर राज्य है तो राजा भी रहेगा, अगर राज्य है तो राजा भी रहेगा राजन, और रही बात मेरी, तो भगवान ने उत्तर दिया है महाराज को, शिद्धोदन की बात सुनी गौतम ने वचन उच्चारा है, राज्य पद से राजन बनना क्या काम हमारा है।
और राजपाट से है राजन बनना क्या काम हमारा है। आज धर्म प्रेमियों चलो महाराज शुद्धोदन ने कहा ये राज्य चलाओ तुम गौतम, मैं सत्य तुम्हें बतलाता हूँ, मैं राज्य चलाने योग्य नहीं, वो बेटा तुम्हें बताता हूँ। तो बुद्ध बोले महाराज शुद्धोदन की बात सुनी गौतम ने वचन उचारा है राजपाट से है राजन बनना क्या काम हमारा। भगवान कहने लगे राजन ये कपिल वस्तु की शासन सत्ता, ये कपिल वस्तु का राज वैभव, ये सोना चांदी, ये राजमहल, ये माल खजाना राजन बुद्ध के जीवन में किसी काम का नहीं है। राजा शुद्धोदन बुद्ध के वचन सुन करके बड़े दुखी हो गए और कहने लगे ऐसा मत कहो गौतम, ऐसा मत कहो, ये मत भूलो कि आप मेरे पुत्र हो। कपिल वस्तु के कर्तव्यों को अधूरा छोड़ करके बन को गए हो गौतम। बुद्ध ने कहा राजन मैंने कहा ना अगर शासन है तो शासक भी होगा, राजगद्दी है तो राजा भी होगा। आप उसकी चिंता ना करें महाराज, आप उसे समय पर छोड़ दें। 8 वर्ष के बाद पहली बार बुद्ध कपिल वस्तु में आए। बुद्ध के वचन सुनकर के राजा दुखी हुए, लेकिन आगे क्या हुआ जरा सुनेंगे आप लोग। जैसे जैसे मुंह बनाए बनाए बातें करे तैसी तैसी फोटो आए हमें का बोलिए भगवान बुद्ध की। हेलो बोलिए महामाया मैया की। आज धर्म प्रेमियों भगवान सम्यक संबुद्ध ने मना कर दिया। राजा शुद्धोदन बड़े दुखी हुए, आंखों में आंसू आ गए पुत्र के दर्शन करके। इधर भगवान ने इशारा किया अपने भिक्षु संघ को, भिक्षुओं अब हमें इस कपिल वस्तु राज्य में चल के विच्छेदन करना है। आज भगवान अपने संघ को संकेत किए सुबह का वक्त है, समस्त भिक्षु संघ अपना अपना भिक्षा पात्र लेकर कपिल वस्तु राज्य में रोटी मांगने के लिए निकल पड़ा है। और क्या दृश्य है कपिल वस्तु में देखिए ना, कि डगर डगर मांगे नगर और घर घर मांगे और घर घर मांगे खाए। द्वार पे एक एक बोध भिक्षु रोटी मांगने के लिए अपना पात्र लेकर खड़ा हो गया धर्म प्रेमियों। इधर राजा शुद्धोदन महलों में लौट आए, महाराज शुद्धोदन के एक गुप्तचर ने देखा कि भगवान महलों में आने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन पिता के राज्य में जाकर के रोटी मांग रहे खा रहे। एकदम से सेवक राजा के पास में पहुंचा है। कैसी बातें कर रहा है तू, पागल तो नहीं हो गया?
सेवक कहने लगा क्षमा करना महाराज, बताइए मुझे क्या ये कपिल वस्तु का राज्य आपका है? क्या आप इस कपिल वस्तु के राजा हैं? और जो कपिल वस्तु के बीच में एक एक टुकड़ा मांग करके खा रहे भगवान बुद्ध, क्या सचमुच आपके बेटा थे? सेवक की बात सुन करके आज राजा शुद्धोदन क्रोधित हो गए, दुखी भी हो गए। एकदम सेवक के शब्द सुनकर चिल्ला के बोले, सेवक बंद कर अपनी बकवास, क्या बक रहे हो? अरे बेशक लगाम दे अपने जुबान को, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी इस तरह के प्रश्न करने के? राजा को क्रोधित जान करके सेवक पैरों से पड़ गया, रो करके बोला, महाराज मैं आपके मन की पीड़ा को समझता हूँ, महाराज क्षमा करना। अगर आप कपिल वस्तु के राजा हैं तो धिक्कार है ऐसी सत्ता को। अगर आपके पुत्र थे गौतम तो सुनिए महाराज। और क्या बोला सेवक, मत बोल, मुझे साथ लेके चल सेवक, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। आज सेवक राजा शुद्धोदन को साथ में लेकर चला है और क्या देखा उसने? नगर में जाकर के नजर उठाई है तो क्या देखा महाराज शुद्धोदन और सेवक ने? जे मांगत द्वारे द्वारे को भी चेतन करते देखा,
एकदम आगे जाकर के खड़े हो गए और भगवान को सुना करके बोले रुक जाओ गौतम, रुक जाओ। भगवान बुद्ध खड़े थे। महाराज शिद्धोदन कहने लगे गौतम ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। अभी मैंने कहा था कि कपिल वस्तु के महलों में चल करके राजा बन के राज्य करो पुत्र, तो आपने हमारी बात को ठुकरा दिया गौतम। जिनके सामने तुम कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हो, अरे ये सब तुम्हारी प्रजा है, प्रजा। तुम यहाँ के राजकुमार हो, तुम शिद्धोदन के पुत्र हो। आज मेरे धर्म प्रेमियों ध्यान दीजिए, 8 वर्ष के बाद बुद्ध जब कपिल वस्तु में भिक्षाटन करने लगे तो राजा शिद्धोदन ने क्या कहा भगवान से, हे गौतम आप एक राजा के बेटा हो, ऐसे जंगल में रह करके और बेटा भूखों मर सकता है। क्या बोले महाराज, एक मास नहीं मिले पाने पर वो घास नहीं खा सकता है। लेकिन खेतों में जाकर के हरी हरी घास नहीं चरेगा क्योंकि उसका स्वभाव है वो मांसाहारी है। उसका ये सिद्धांत है कि भूखा मर जाएगा लेकिन घास का सेवन नहीं करेगा। आप एक राजा के बेटा हो, शाक्य गणराज के गौरव हो, रानी महामाया के पुत्र हो, अपनी प्रजा के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगते तुम्हें लज्जा नहीं आती गौतम? इस शाक्य गणराज्य के गौरव हो तुम। जैसे ही राजा शिद्धोदन ने कुल गोत्र वंश की बात कही तो भगवान कहने लगे महाराज क्या बोले महाराज कि तुम शाक्य कुल के गौरव हो और ये तुम्हारी प्रजा है। तुम्हें कुलगोत्र वंश का भी ध्यान नहीं रहा पुत्र, तो भगवान बुद्ध कहने लगे राजन सुनिए और क्या बोले हैं भगवान। Oh,
मुस्कुरा करके बोले महाराज कि बोले भूत क्या बोले कि बोले भूत सुनो महाराजा और मांगत खात हमें नहीं ला जा भूत की सनातन नीति और मांगे खाए सवन निज रीति। ए महाराज अरे मांगना खाना हम बुद्धों की परंपरा है, मांगना खाना हम बुद्धों की परंपरा है, कुल गोत्र वंश की मर्यादा में बंद करके बुद्ध नहीं रहते। ये शाक्य गणराज्य राजा शुद्धोदन का है, अरे बुद्ध का बुद्ध वंश है, ये बुद्ध सारी दुनिया के हैं और सारी दुनिया बुद्ध की है। क्या नाम है और आपका? पापा है ना इसके? और जैसा कि आपने देखा अभी इस मंच पे मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई रौनक और शनोब भाई ब्रजेश फौजी जी ग्राम रशीदपुर से बहुत बहुत शाद-वाद मंगल हो बेटा का, ये सुंदर सा उपहार भेंट किया है। बच्चा है तो क्या हुआ, सम्मान करना तो सबको आना चाहिए। बहुत बहुत शाद-वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे प्यार से सभी धर्म प्रेमी बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए महामाया मैया की। याद रखिए 8 वर्ष के बाद बुद्ध कपिल वस्तु में है। राजा शुद्धोदन कहते कि कुल गोत्र वंश की मर्यादा को संभालो पुत्र, तो बुद्ध ने कह दिया है राजन कुल गोत्र वंश की मर्यादा में बुद्ध नहीं रहते, ये बुद्ध सारी दुनिया के हैं और सारी दुनिया बुद्ध की है। वारे करुणा सागर हे तथागत, आपका ज्ञान संसार में अमर हो गया, यही एक बात है आपकी जो समस्त मानव समाज को जोड़ने का कार्य करती है। नमो बुद्धाय बेटा। नाम क्या बोलूं, पापा। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी छोटी बहन कुमारी कामनी शाक्या तोहर दुर्लभ जन्म बा काहे बिगड़े रे कालमा, तोहर दुर्लभ जन्म बा व्यवस्था बनाए रखिए और हमें प्रश्न को पूरा करना है। ध्यान दीजिए आज राजा शुद्धोदन ने कपिल वस्तु के महल फूलों से
सुसज्जित करवाए, सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाए महलों के बीच। आज जैसे ही दूसरा दिन हुआ, भगवान अपने भिक्षु संघ को सुना करके बोले, भिक्षुओं तैयार हो जाओ। कपिलवस्तु के महाराज शीतोदन के महलों में चलकर भोजन ग्रहण करना है। संघ मगन हो गया, चलिए भगवान। आज बुद्ध अपने संघ को लेकर चले, इधर भगवान जब संघ को लेकर चले हैं कपिलवस्तु के महल की ओर, बुद्ध आगमन सुन करके सब परिवार जुड़े आए हैं। परिवार के समस्त लोग दौड़ दौड़ करके आ गए बुद्ध के दर्शन करने को। लेकिन याद रखना मेरी माता बहनों और भाइयों, आज सभी परिवार के लोग आ गए लेकिन यशोधरा बेटा, हेलो, कोई बात नहीं करेगा, आराम से बैठे। परिवार के सभी लोग आ गए लेकिन यशोधरा और उसका 8 वर्ष का बेटा राहुल आज भगवान के दर्शन करने को नहीं आया। हे माताओं बहनों भाइयों, आज जब राहुल और उसकी मां बुद्ध के दर्शन को नहीं आई, एकदम मौसी प्रजापति गौतमी ने देखा, एक दासी को समझा करके मैया बोली, ओ दासी इधर आ। जी मैया। ए दासी, मैं देख रही हूं कि समस्त परिवार जन आ चुके हैं लेकिन मेरी पुत्र वधु गोपा नहीं आई, मेरा नाती राहुल नहीं आया। चली जा दासी, चली जा महल में और जाकर के मेरी गोपा को साथ लेके आना। हे माताओं बहनों, जरा गौर कीजिए, वही यशोधरा है, वही सिद्धार्थ की पत्नी है, 7 दिन का बेटा राहुल जिसके गोद में और सिद्धार्थ बन को चले गए थे। चली है दासी तो कैसे चली है? महल में जहां गोपा बैठी सो क्या मैं
पहुंची, हाथ जोड़कर दासी ने गोपा को प्रणाम किया है। ये प्यारा सा बेटा हर्षवर्धन शनोफ भाई संतराम शाक्य जी, बहुत बहुत शाद-बाद, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये सुंदर सा उपहार भेंट कर इस मंच पर सम्मानित किया है मेरे छोटे से भाई ने। मंगल हो बेटा का, तो ध्यान दीजिए, आप लोग प्रसंग सुन रहे हो सफल सत्याग्रह राहुल दीक्षा। 8 वर्ष के बाद भगवान के प्रथम आगमन कपिल वस्तु में हुआ है। आज दासी पहुंची गोपा के पास में, गोपा को प्रणाम करके बोली, बहना गोपा, ए गोपा, क्या बात है दासी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। गोपा, ठीक है दासी, क्यों आई हो? आज दासी कहने लगी, बहना तुम यहां बैठी हो, हमें मौसी प्रजापति गौतमी ने भेजा है, 8 वर्ष के बाद तुम्हारे पिया भगवान बुद्ध आज कपिल वस्तु के महलों के बीच में आए हैं। हे गोपा, तुम चल करके भगवान के दर्शन करो। आज गोपा नहीं बोली, गोपा ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब गोपा ने कोई उत्तर नहीं दिया, धर्म प्रेमियों, एकदम से दासी कहने लगी, अरे ओ बहनों, सो रही हो क्या? अरे मैंने सुना कि जब सिद्धार्थ वन को गए थे तब तुम सो रही थी, कि आज भी सो रही हो? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। एकदम से यशोधरा कहने लगी, ओ दासी पागल हो गई है, आज मैं सो नहीं रही हूं, आज मैं जाग रही हूं। जाग रही हो? हां दासी, आज मैं जाग रही हूं। दासी कहने लगी, तो ठीक है, अगर आप जाग रही हो तो शीघ्र चलकर बुद्ध के दर्शन कर लो। यशोधरा कहने लगी, अरे ओ दासी, एक बार फिर से कहो, अभी जो तुम कह रही थी एक बार फिर से बोलो, क्या कहा तुमने? आज दासी कहने लगी, बहना के शब्द सुनकर के यशोधरा की आंखों में आंसू आ गए।
यशोधर आंखों में आंसू भर के बोली, दासी चली जा यहां से, लौट जाओ दासी, लौट जाओ और जाकर के कह देना मेरी मैया से, मैं भगवान के दर्शन करने को नहीं आऊंगी। क्यों क्यों नहीं आऊंगी? रो करके यशोधरा कहने लगी, अरे ओ पागल, तू नहीं जानती कि मैं क्यों नहीं आऊंगी? जिस समय मेरे पिया सिद्धार्थ कपिल वस्तु का त्याग कर वन को गए थे, जानती है, जिस समय मेरे पिया सिद्धार्थ कपिल वस्तु का त्याग करके वन को गए थे, 7 दिन का बेटा राहुल था मेरी गोद में, सोता छोड़कर वन को चले गए, एक बार भी मुझे जगाने की कोशिश नहीं की, एक बार भी मुझे बताने की कोशिश नहीं की। आज अगर मैं भगवान के सामने जाऊंगी, आज अगर मैं बुद्ध के सामने जाऊंगी, मेरा बेटा राहुल 8 वर्ष का हो चुका है, मैं बुद्ध के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहती दासी, मैं अपने भगवान के मार्ग का कांटा नहीं बनना चाहती दासी, चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ यहां से, और जाके कह दे मेरी मैया से, मैं बुद्ध के दर्शन को नहीं आऊंगी। ऐसा कह करके यशोधरा रोने लगी। आज दासी निकल आई महल से बाहर, उस जगह पहुंची जहां भगवान बैठे थे, समझ गई मौसी प्रजापती कि मेरी यशोधरा बुद्ध के दर्शन को क्यों नहीं आई। आज भगवान को सुना करके मैया प्रजापती कहने लगी, करुणा सागर क्षमा कर दो मेरी गोपा को, क्षमा कर दो मेरी यशोधरा को, भगवान उसका दोष नहीं है, भगवान भगवान उसका दोष नहीं है, अरे वो तो अपने पिया के वियोग में पागल है, पागल। और क्या बोली है मौसी प्रजापती, हे करुणा सागर मेरा विश्वास कीजिए, जिस दिन से आप कपिल वस्तु के महलों का त्याग करके वन को गए हो, 8 वर्ष का एक एक पल मेरी गोपा ने महलों के बीच में तुम्हारा रास्ता देखकर गुजारा है। कहने लगी है मौसी, जिस दिन से गए हो तुम गौतम, गोपा ने सोना छोड़ दिया, आज मैया समझा के बोली, हो करुणा सागर जितिए महल के लाश रंगी, और खाट बिछोना छोड़ दिया, त्याग दिया, व्यंजनों
यशोधराज, महल में बनने वाले सुंदर व्यंजनों को नहीं खाती है भगवान। जिंदा रहने के लिए एक रोटी का टुकड़ा खाती है भगवान। महल में रह करके राजसी वस्त्रों को नहीं पहनती है भगवान। शरीर को ढकने के लिए मोटी सी साड़ी है बदन पे भगवान। शिवरधारी
एक बात तो बता दीजिए भगवान, और मेरी न सही ओ बनवासी, बोलो ना क्या याद न सुती की आई। गोपा बोली भगवान, मैया की याद नहीं आई, पिता की याद नहीं आई, हमारी याद नहीं आई भगवान। कोई बात नहीं, क्या मेरे 7 दिन के बेटा राहुल की भी याद नहीं आई आपको? बुद्ध कुछ नहीं बोले तब तक मौसी प्रजापति और महाराज शिद्धोदन बीच में आ गए। मैया कहने लगी, अरे ओ करुणा सागर, देख लो मेरी गोपा को, देखो देखो मेरे यशोधरा के त्याग को देखो भगवान। बुद्ध कहने लगे, शांत हो जाओ गोपा, अगर तुम्हारा त्याग नहीं होता तो संसार में ये बुद्ध सम्यक संबुद्ध नहीं होते। मत रो गोपा, मत रो। शांत हो जाओ यशोधरा। यशोधरा कहने लगी, भगवान वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे सोता छोड़कर क्यों चले गए? जब आप मेरी स्वयंवरशाला में आए थे, मां ने कहा था कि सिद्धार्थ के गले में वरमाला मत पहनाना, लेकिन मैंने आपको पति के रूप में वरण किया भगवान, जानते हो क्यों? इस दिन की उम्मीद में जी रही थी कि जिस समय मेरे पिया कपिल वस्तु का त्याग कर वन को जाएंगे, अरे मैं महलों से 4 कदम चल के अपने पिया को विदा करूंगी, लेकिन नहीं भगवान, आपने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया भगवान, आपने मुझे मौका नहीं दिया। क्यों मुझे वंचित कर दिया मेरे अधिकार से? क्यों? दुनिया के लोग कहेंगे
कि सिद्धार्थ अपनी पत्नी को सोता छोड़कर वन को चले गए। बोलो भगवान कहेंगे ना। बुद्ध कहने लगे गोपा अच्छा बताइए कथा प्रसंग ग्रह त्याग किस किसने सुना था जरा हाथ उठाइए। तीसरे दिन मैंने सुनाया था सिद्धार्थ ग्रह त्याग किस किसने सुना जरा हाथ उठाइए। हम जानते हैं किस किसने सुना लेकिन आप नहीं बता रहे हो ये आपकी कमी है। जब सिद्धार्थ वन को जा रहे थे राजद्वार से लौट कर गए थे गोपा के कच्छ में सात दिन के पुत्र को सीने से लगा के इस तरह सोई यशोधरा कि अपने पिया की आवाज को नहीं सुन पाई। भगवान कहने लगे गोपा मत रो जब हम कपिलवस्तु त्याग कर जाने वाले थे हमने आपको जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन हे गोपा तो धर्म प्रेमियों ध्यान दीजिए आज भगवान ने बताया यशोधरा को कि जब हम वन जा रहे थे मैंने तुम्हें जगाने की कोशिश की लेकिन तुम नहीं जागे। आज बुद्ध कहने लगे गोपाल जब हम वन जा रहे थे मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश की तुम नहीं जागी। आज यशोधरा के मन में भगवान के प्रति जो शिकायत थी उसे भी दूर कर दिया तथागत बुद्ध ने। मैंने जगाया था लेकिन तुम नहीं जागा। बुद्ध कहने लगे हैं गोपाल संसार में जब जब स्त्रियों के धैर्य का परीक्षण होगा यशोधरा का त्याग काम आएगा। यशोधरा का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसा कह करके प्रिय श्रोता बंधुओं आज बुद्ध निकल गए महलों से बाहर चले गए वटवृक्ष बगिया में और इधर क्या हुआ सुनिए। बुद्ध के दर्शन करके गोपा भी मगन बैठी है। एक प्रश्न यशोधरा बैठी और मधुबाला वहां पर आई है। मधुबाला वहां पर आई है। प्रसन्नचित्त यशोधरा बैठी मधुबाला वहां पर आई है। और कहने लगी गोपा अरे ओ गोपा आज बड़ी खुश लग रही हो। हमने सुना कि तुम्हारे पिया तुमसे मिलने आए थे। क्या कह गए तुम्हारे पिया तुमसे। आज यशोधरा से प्रश्न करने लगी है वो मधुबाला क्या बोली। बात बताओ क्या कह गए तुम्हारे पति महाराज तुमसे। क्या तुम्हारे पिया वन में नहीं जाएंगे।
क्या तुम्हारे पिया महलों में रहेंगे? आज गोपा के शब्द सुनकर मधुबाला ने जब प्रश्न किया कि बताओ बताओ क्या तुम्हारे पति महाराज अब महलों में रहेंगे, तो यशोधरा जो मगन होके बैठी थी एक बार फिर से दुखी हो गई और कहने लगी, अरे ओ पागल, मेरे पिया भगवान बुद्ध हैं, अगर महलों में रहते तो महल छोड़कर क्यों जाते? और क्या बोली है गोपा? तासु बचने सोने